वेल हेलो, नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आई होप कि आप लोग वीडियोस इंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाला, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पहाड़ी मैडलिप्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। वहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट गढ़वाली कॉमेडी वीडियोज़, फनी डबिंग वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो अभी तक पहाड़ी मैडलिप्स के इंस्टाग्राम पेज में, तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। ये रहा स्क्रीनशॉट मेरे पेज का, जाके फॉलो करो। और एक बार मैं आपको बालकनी से व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यार ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो पूरा पार्किंग एरिया है जहाँ पे सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और यहाँ से आप व्यू देखो यार, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और आप देखो पूरा आसमान अभी साफ हो रखा है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना यार, बताओ मत। और अभी मैंने सब कुछ बंद कर रखा, फ़ैन वैन, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग उदयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जयपुर से उदयपुर का जो रास्ता है उसका जो डिस्टेंस है वो 7 to 8 आवर्स का डिफरेंस है। आप जा सकते हो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, जैसा आपका मन करे। हमने जो चुना था वो चुना था हमने ट्रेन। रीज़न उसका यही था कि कंफर्टेबली जाना था, रात को, रात की ट्रेन थी, मॉर्निंग में वो हमें पहुंचा देती 7 से 8 घंटे में, तो काफ़ी हम लोग सो के आराम से गए थे। और अगर मैं बात करूँ स्टे की, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके थे, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी। आप काफ़ी ओपन स्पेस वहाँ पे था। और आसपास के एरिया की बात करूँ तो काफ़ी ग्रीन एनवायरनमेंट था। काफ़ी शांत सिटी है, काफ़ी ग्रीनरी वहाँ पे है, आसपास पहाड़ आपको दिख जाएंगे। और काफ़ी लेक्स हैं वहाँ पे, आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट आपको करेगा वो करेगा आपको नेचर। अभी टाइम था कुछ खाने का।
उदयपुर में जो सबसे अच्छा एक डाइनिंग हॉल था वो था नटराज रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक प्रॉपर थाली सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग डिशेज आपको दी जाती हैं, तो मैं एक बार दिखाता हूँ वो चीज़ आपको। थाली का कॉस्ट था इट वाज अराउंड 260। बहुत ही अमेजिंग खाना था वहाँ पे और बहुत फेमस भी है वहाँ पे उधर। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था करणी माता मंदिर। उदयपुर में बहुत फेमस मंदिर है और ये मंदिर काफी हाइट पे भी है। आप करणी माता मंदिर आप रोप वे से भी जा सकते हो, तो हमारे पास टाइम का लिमिटेशन था इसलिए हमने रोप वे ही चूज किया। जाता हूँ मुझे ना अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप उदयपुर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे बाल भी काफ़ी लंबे हो गए, बार बार मैं बालों को हाथ लगाऊँ तो प्लीज़ इरीटेट मत होना क्योंकि बाल इतने लंबे हैं कि मुँह पर आ जाते हैं, फिर उसको हटाना पड़ता है इनको। चलो खैर, मुझे पता है कि आप लोग यार उत्तराखंड का कंटेंट ज़्यादा आप लोग देखना चाहते हैं, सो आने वाले महीनों में मैं कुछ एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, जहाँ पे मैं डेफिनेटली यार बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।